बरेली से है। बरेली में स्मैक बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। पहली बार बरेली में स्मैक बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। बरेली पुलिस ने पति पत्नी और दो बेटों को गिरफ्तार किया है। बरेली पुलिस ने दो कारीगरों को भी गिरफ्तार किया है। साथ में आलिशान कोठी में स्मैक बनाने का काम चल रहा था। यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, मुंबई, नेपाल में सप्लाई किया जाता था इन्हें। पहली बार बरेली में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। बरेली में पुलिस ने पति पत्नी और दो बेटों को गिरफ्तार किया। इन्हीं के साथ दो अन्य लोगों को भी गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है। स्मैक बनाया जाता था, उनकी सप्लाई यहाँ पर की जाती थी। आलिशान कोठी में स्मैक बनाने का काम यहाँ चल रहा था। यूपी, उत्तराखंड, इसके अलावा अलग अलग जगहों पर भी ये बड़ी कार्रवाई की गई है। लोगों की तरफ से लगातार शिकायत इसमें दर्ज कराई जा रही थी। बरेली में स्मैक बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है और पहली बार बरेली में स्मैक बनाने की फैक्ट्री पर ये बड़ी कार्रवाई यहाँ की गई है, जिसमें पति पत्नी की गिरफ्तारी हुई है, साथ ही उनके दो बेटों की गिरफ्तारी, और कहा जा रहा है कि वहां काम करने वाले दो अन्य कामगारों को भी पकड़ा गया है। छह व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और ये काफी बड़े स्केल पर प्रोफेशनल ढंग से काम करते थे और ऑन डिमांड ये स्मैक और अफीम बनाने का काम करते थे और इसकी सप्लाई ये प्रदेश के बाहर भी दिल्ली, सहारनपुर, चंडीगढ़ इन स्थानों पर करते थे और रॉ मटेरियल जैसा कि अभियुक्तों की पूछताछ में बताया गया ये झारखंड से मंगाते थे और काफ़ी बड़े स्केल पर काम कर रहे थे और एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के तहत ये काम कर रहे थे। हर तरह के इक्विपमेंट, हर तरह के रॉ मटेरियल और केमिकल्स जो कि स्मैक और अफीम बनाने में चाहिए होते हैं, सभी उन चीजों की बरामदगी इनके घर से। और खबर बिजनौर से सामने आ रही है, जहां बारिश में मस्जिद के मीनार गिर गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आकाशीय बिजली से मीनार गिरने की आशंका जाहिर की जा रही है। बिजनौर के मुस्तफपुर इलाके का यह पूरा मामला, बारिश में दरअसल मस्जिद की मीनार यहां पर गिर गई। हालांकि इस हादसे में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं मिल पा रही है, लेकिन बारिश की वजह से कहा जा रहा है और आकाशीय बिजली से इस मीनार के गिरने की आशंका यहां पर जाहिर की गई है। इसकी तस्वीरें भी सामने आई है। तो मस्जिद की ये मीनार अचानक से गिर जाती है, कहा जा रहा है इसके पीछे जो वजह है बारिश रही है। बारिश में ये मस्जिद की मीनार गिर गई। आकाशीय बिजली गिरने की वजह से मीनार यहाँ पर गिर जाती है। हालांकि राहत की है बात है कि अभी तक इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है, ये जानकारी मिल पा रही है। और कानपुर में छात्रों के दो गुटों में झड़प से हड़कंप मच गया है। आईआईटी कानपुर के छात्रावास में चाकूबाजी से हड़कंप मच गया। आईआईटी कानपुर में पढ़ने वाले छात्रों के दो गुटों में झड़प हो गई है। मारपीट में एक पक्ष पर दूसरे से हमले का आरोप है। पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। आईआईटी कानपुर में कार्यक्रम के दौरान छात्रों के बीच विवाद हो गया, चाकूबाजी हो गई। वहीं आईआईटी कानपुर में वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव के दौरान ये पूरा मामला सामने आया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।